नमस्कार दोस्तों, महाज्ञानी आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि जिस पैर के नीचे गर्दन हो उस पैर को सहलाने में ही अकलबंदी है। ये तो हुई महाज्ञानी चाणक्य की बात। वर्तमान में अगर सस्ते साहित्य और फिल्मों की बात करें तो एक डायलॉग है, काफ़ी पॉपुलर है, कि अगर जिनके घर शीशे के हो वो पत्थर नहीं उछाला करते। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम जब से तेजस्वी यादव बने हैं तब से वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। 2018 से सीबीआई के खिलाफ एक मामले पर जमानत पर है और वो सीबीआई को ही धमकी दे रहे हैं। दरअसल 25 अगस्त की बात है, उन्होंने सीबीआई को धमकाते हुए कहा कि ये सीबीआई के अधिकारी क्या इनके बच्चे नहीं हैं, क्या इनकी माँ नहीं है, क्या ये हर वक्त सर्विस पर ही रहेंगे। तमाम तरह की जो है इस तरह की बातें तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। अब उस मामले में सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई की स्पेशल अदालत में याचिका दायर कर दी है और सीबीआई की याचिका पर जज गीतंजलि गोयल ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है तेजस्वी यादव के लिए कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव 2018 से ही जमानत पर है। दरअसल दोस्तों ये मामला उस वक्त का है मनमोहन सरकार के कार्यकाल का, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे, यानी 2004 से लेकर 2009 तक के दौरान। और उस दौरान ही लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मैसर्स सुजाता होटल्स को, दो होटल्स जो एक रांची में था और एक भुवनेश्वर में था, वो सुजाता मैसर्स को जो है दे दिया गलत तरीके से, जिसके मालिक विनय और विजय कोचर थे। इनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियम को ताक पर रखकर ये होटल दिए गए थे। दरअसल इस मामले में शुरुआत में लालू प्रसाद यादव सहित 8 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन बाद में 6 आरोपियों का नाम और जोड़ा गया था, यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 14 आरोपी इस वक्त हैं। इसमें 2018 से ही लालू प्रसाद यादव तो पहले ही आरोपी थे, 2018 से ही तेजस्वी यादव और उनकी माँ राबड़ी देवी जमानत पर है। और इसी जमानत के खिलाफ सीबीआई अब कोर्ट में गई है कि वो लगातार सीबीआई को धमकी दे रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत या खारिज की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि जो आरोप ये है कि जो ये दो होटल रांची और भुवनेश्वर में दिए गए थे, इनके बदले विनय और विजय कोचर ने बैली रोड जो पटना में है वहाँ पर एक 3 एकड़ का बहुत ही महंगा प्लॉट लालू प्रसाद यादव के करीबी जो है प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता को दिया गया था, बहुत सस्ते में, वो सर्कल रेट से भी कम 1,47,00,000 रुपए में सरला गुप्ता के नाम दिया गया था। और इसके बाद जो खेल हुआ वो खेल समझिए, दरअसल इस जमीन को जो 3 एकड़ का जो लैंड था उसको सिर्फ 1,47,00,000 में प्रेम गुप्ता की कंपनी ने खरीदा, जो मार्केट रेट से बहुत कम था। और प्रेम गुप्ता की इस कंपनी ने सिर्फ 65,00,000 में लारा प्रोजेक्ट, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जो कंपनी थी, उसको महज 65,00,000 में दे दिया, जो सर्किल रेट से बाजार मूल्य से बहुत कम था। सरकारी रेट ही 32 करोड़ का बताया, यानी जो मार्क अगर 32 करोड़ का तो सर्किल रेट के हिसाब से था, अगर बाजार के मूल्य से देखा जाए तो 94 करोड़ का था। सीबीआई का दावा है कि ये जो लैंड थी 3 एकड़ की वो 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा बाजार मूल्य है, जिसको सिर्फ 65,00,000 में दे दिया गया। और सुशील मोदी जो बिहार के बीजेपी के नेता, उनका कहना था कि इस लैंड पर पटना का सबसे बड़ा सबसे महंगा मॉल बनाया जाना था, जो लालू प्रसाद यादव बना रहा था। और इसी मामले में 2018 से तेजस्वी जमानत पर है। अब जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को धमकी दी, अब सीबीआई पहुंच गई स्पेशल कोर्ट, कहने लगी कि हमको धमकी दी है, क्यों ना जमानत रद्द कर दी जाए। अगर ये रद्द हो जाती है उनकी जमानत, तो तेजस्वी का डिप्टी सीएम पद भी संकट में पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, बैठे बिठाए बिना मतलब के पंगे लेकर मुश्किल खरीद लिया तेजस्वी यादव ने। तो दोस्तों ये तो हुई तेजस्वी यादव की वो बात जिसकी वजह से वो बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार किसी न किसी घोटाले, किसी न किसी केस में फंसा हुआ है और लगातार अपने जुगाड़ तंत्र के बदौलत वो राजनीति में प्रासंगिक भी बना हुआ है। आप इस पूरे मुद्दे को, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।